नमस्कार, मैं हूं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। खबरें वही जो सी आप देख रहे हैं। जनपद श्रावस्ती से एक बड़ी खबर। जिला अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने रनियापुर गांव में थारू परिवार के बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ मनाया नववर्ष। आपको बता दें, श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश एवं मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने नववर्ष के अवसर पर विकासखंड सिरसिया के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रनियापुर में आयोजित जनजातीय मतदाता जागरूक चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस दौरान जिलाधिकारी ने थारू परिवार एवं उनके बच्चों के साथ मिलकर नववर्ष पर बधाई दी तथा उनका कुशल क्षेम जाना और पढ़ लिखकर आगे बढ़ने की अपील भी की। जिलाधिकारी के नववर्ष के अवसर पर गांव में पधारने पर गांव में बहुत खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं गांव के बच्चे, बुजुर्ग महिलाएँ, बेटे एवं बेटियाँ सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। इस दौरान गाँव के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं गाँव के बड़े, बुजुर्ग महिलाएँ एवं बच्चियाँ ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को फूल माला पहनाकर साल, डेलिया एवं गुलाब जल और अपने बनाए गए उत्पादों को भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार जन जन के विकास में हेतु प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को धरातल पर उतार कर अभी तक योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को लाभवंत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के चौमुखी विकास के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण कुंजी है, इसीलिए लोग बिना भेदभाव के अपने बेटों के साथ बेटियों को भी शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मोतीपुर कला में दीपावली के दिन वो आई थी और बच्चों के साथ दीपावली भी मनाई थी। रनियापुर में आज प्रथम भ्रमण है, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सभी लोग हमारे परिवार के समान हैं, समय मिलते ही आती रहूँगी। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को मतदान करने हेतु शपथ दिलाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने शपथ दोहराते हुए कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अछूत रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकारियों को प्रयोग करेंगे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने भी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि थारू समाज की महिलाएं समाज के विकास में अपनी अनूठी भूमिका निभा रही हैं। इस क्षेत्र की छात्रों ने एथलेटिक्स में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है, जो गौरव की बात है। उन्होंने आगामी विधानसभा निर्वाचन में लोगों से 100% मतदान करने की अपील भी की और यहाँ भी अपील किया कि वो अपने आसपास के लोगों को आगामी विधानसभा निर्वाचन के दिन प्रेरित कर 100% मतदान कराएं ताकि जिले में मतदान और का प्रतिशत बढ़ सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, यहां के महिलाओं को जोड़कर और अधिक से अधिक समूह बनाए जाएं ताकि वे और अधिक समृद्ध हो सके। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन सद्धावन के अध्यक्ष योगेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया तथा आए हुए अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित भी किया। इस मौके पर जिला उप जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा, होली राम राणा, गयनेन्द्र राणा एवं हल्का राणा सहित सब्धावान समिति के सदस्यगण एवं ग्रामवासीगण का चयन सलाब उपस्थित रहा। मंडल ब्यूरो रमेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। थारू समाज से आए हुए हमारी बहने, माताएं, बच्चे, मैं एक बार फिर से आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी बच्चियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया उसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। ये आप ही के बीच से निकली हुई बच्चियां हैं जिन्होंने आज इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट रखूंगा, सिर्फ दो बातें बोलूंगा। एक तो हमारे थारू समाज में पहले से ही महिलाओं ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। जब मैं यहाँ पे एज अ CDO मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग हर हफ्ते में मोतीपुर कला, भचकाई आप लोगों के गांव में आता रहता था। अब तो पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं आ पाया हूँ, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ की महिलाओं ने हमेशा आगे लीड लेकर आगे कार्य किया है। हमारे यहाँ की बच्चियों ने भी एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम ये प्रण लें आज इस साल में कि हमारी बच्चियों को हम और ज्यादा पढ़ाएंगे, उनको खेलने के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए उनको उत्साहित करेंगे। दूसरी चीज जो आज कार्यक्रम का मेन मोटिव है और स्वीप नोडल होने के नाते मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि अब
विधानसभा निर्वाचन शुरू होने वाला है और आप सब लोग कृपया अपने घर से निकले वोट दें और अपने आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिए प्रतिज्ञा कराएं। धन्यवाद। आज हम यहाँ रनियापुर गांव में आए हैं और वर्ष 2022 का प्रथम दिन हमने यहाँ गाँववासियों के साथ बिताया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुआ है। इन लोगों ने अपना कल्चर डिस्प्ले किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और बहुत अच्छा एक जिम्नास्टिक का शो किया है और साथ ही साथ यहाँ पर हमने चुनाव से जुड़े हुए ये संदेश भी दिया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए आए। धन्यवाद।